दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, टू थिंग्स आर इन्फिनिट, द यूनिवर्स एंड ह्यूमन स्टूपिडिटी, एंड आई एम नॉट श्योर अबाउट द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड की सीमाओं को लेकर खुद आइंस्टाइन भी श्योर नहीं थे कि ये कहां खत्म होता है। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफर पर जाने वाले हैं जो हमें बताएगा कि यूनिवर्स अनंत है या सीमित। अगर ये सीमित है तो इसके बाहर क्या है। अगर हम अपनी स्पेसशिप में बैठें जो प्रकाश की गति से चल सकती है, तो उसमें बैठकर 46 अरब साल तक यात्रा करने के बाद हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे पर पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर भी वहां कोई किनारा नहीं मिलेगा। इसी चीज ने दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों की नींदें उड़ा रखी है कि आखिर इसकी कोई सीमा है भी या नहीं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि आखिर यूनिवर्स का किनारा कहाँ है और उसके बाहर क्या मौजूद है। आज हम हमारे बेस्ट टेलीस्कोप की मदद से भी ब्रह्मांड के पार नहीं देख पा रहे। आखिर ऐसा कौन सा रहस्य है जो हमें बाहर झांकने से रोक रहा है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बताया कि जब हम पूछते हैं कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है, तो इस सवाल के अनेकों मतलब है। इसका एक अर्थ ये है कि ब्रह्मांड सीमित है या अनंत। अगर इसकी एक सीमा है, तो क्या वो सीमा सिर्फ एक फिजिकल बैरियर के रूप में ही है या किसी और रूप में। क्योंकि अगर ब्रह्मांड अनंत है, तब भी यह सवाल उठेगा कि जिस स्पेस में हम एग्जिस्ट करते हैं, उस स्पेस के बाहर क्या है। क्योंकि यह भी एक बैरियर है जिसकी सीमाओं में हम मौजूद है, और अगर इससे भी परे कुछ है, तो ये हमें और नए सवालों और रहस्यों की तरफ ले जाएगा। अगर ब्रह्मांड सीमित है, तो यह सवाल उठेगा कि क्या यूनिवर्स की कोई शेप है। अगर हाँ, तो इसकी क्या शेप है। दोस्तों, अगर हमें जानना है कि ब्रह्मांड के बाहर क्या है, तो हमें सबसे पहले ब्रह्मांड को डिफाइन करना होगा कि आखिर हम ब्रह्मांड किसे कहें। वैज्ञानिकों के अनुसार, जितनी भी चीजें जिन्हें हम जानते हैं और जो संभव है स्पेस टाइम में मौजूद, वो सारी एग्जिस्टेंस ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। अब सवाल है कि ब्रह्मांड अनंत है या सीमित। वैज्ञानिकों की लेटेस्ट रिसर्च के अनुसार, अगर हमारा यूनिवर्स किसी सीमा में होगा, तो यह किसी कर्व को फॉर्म करेगा। यानी अगर यूनिवर्स की शेप किसी स्फीयर की तरह है, तो इसमें कर्व यानी गोलाई होगी, जिसे हम नाप सकते हैं। अगर आप पृथ्वी पर खड़े होकर 1 किलोमीटर की दूरी पर जमीन को फ्लैट देखकर यह कहते हो कि पृथ्वी फ्लैट है, तो ये कहना गलत होगा। इसी तरह यूनिवर्स काफी बड़ा है। यह फ्लैट है या नहीं, ये जानना हमारे लिए काफी मुश्किल होगा। लेकिन वैज्ञानिकों ने हमारे यूनिवर्स की शेप जानने के लिए एक ऐसा तरीका खोजा जिसे जानकर आप हैरान हो जाओगे। साइंटिस्ट्स के अनुसार, यूनिवर्स की शेप को हम स्पेस में ट्रायंगल बनाकर जान सकते हैं। यानी अगर हम किसी फ्लैट सरफेस पर एक त्रिभुज बनाएं, तो उसके सभी एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री आता है। लेकिन अगर वही त्रिभुज आप किसी स्फेयर पर बनाओ, तो उसके एंगल्स का एडिशन 180 से ज्यादा आएगा, और इसे किसी स्फेयर के अंदर बनाओ, तो ये 180 से कम आएगा। अगर हम स्पेस में काफी बड़ी डिस्टेंस पर ट्रायंगल्स बनाकर देखें, तो उनके एंगल्स का एडिशन हमें बता देगा कि यूनिवर्स फ्लैट है या कर्व्ड। दोस्तों, इस ट्रायंगल मेथड को हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के थ्रू पूरे यूनिवर्स पर अप्लाई करके देख सकते हैं। WMAP सैटेलाइट से मिले डेटा को इंटरप्रेट करने के बाद, वैज्ञानिकों ने यह बताया कि इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस पर ट्रायंगल बनाने पर हमें उनके एंगल्स का सम 180 डिग्री मिलता है, यानी कि हमारा यूनिवर्स फ्लैट है। लेकिन एक फ्लैट यूनिवर्स सीमित भी हो सकता है और अनंत भी। यूनिवर्स अगर अनंत है, तो सवाल उठेगा कि एक निश्चित समय पर पैदा होने वाला यूनिवर्स इन्फिनिट कैसे हो सकता है। हमारा यूनिवर्स 13.8 अरब साल पहले पैदा हुआ था, जहां यह एक फाइनाइट साइज से एक्सपैंड हुआ। ऐसे में यह अनंत कैसे हो सकता है। अगर यह एक्सपैंड हुआ, तो सवाल है कि यह किस चीज में एक्सपैंड हुआ। यानी 13 अरब साल पहले सिंगुलैरिटी से बाहर क्या मौजूद था। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार सिंगुलैरिटी में पूरा यूनिवर्स समाया हुआ था, और तब स्पेस टाइम भी इसमें समाये हुए थे। यानी तब स्पेस भी एक बिंदु में था। ऐसे में वैज्ञानिकों के अनुसार यह सवाल ही गलत है कि बाहर क्या है, क्योंकि उस समय तो स्पेस भी नहीं था। इसी तरह यूनिवर्स के पैदा होने के बाद भी हम यह सवाल नहीं कर सकते कि जिस स्पेस टाइम में यूनिवर्स मौजूद है, उससे बाहर क्या है। साइंटिस्ट्स का कहना है कि अगर हम यूनिवर्स को अनंत मानकर चलें, तो यह हमें 46 अरब प्रकाश वर्ष जितना ही क्यों दिखाई देता है, उससे आगे क्यों नहीं। ऐसा क्या है उसके आगे जिसे हम नहीं देख सकते। तो दोस्तों, असल में हम अंतरिक्ष में उतना ही दूर देख पाते हैं, जितने दूर से लाइट हम तक पहुंच पा रही हो। यानी 46 अरब प्रकाश वर्ष से परे जो भी मौजूद है, अभी तक उसकी लाइट हमारी पृथ्वी पर पहुंची ही नहीं है। इस वजह से हम उसे नहीं देख पा रहे।
इसका मतलब है कि यूनिवर्स के जिस किनारे तक हम देख पा रहे हैं उससे आगे भी कुछ है, लेकिन सिर्फ उसकी लाइट हम तक नहीं पहुंच पा रही। आखिर वहां क्या है, ये जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा यूनिवर्स लार्ज स्केल पर होमोजीनियस है, यानी हर जगह से देखने पर समान दिखाई देता है, और जिस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को हम देख पा रहे हैं वह एक्सपेंड हो रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार पूरा यूनिवर्स करंट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना बड़ा होना चाहिए। इसलिए जिस होमोजेनिटी की हम बात कर रहे हैं वह इन ऑब्जर्व्ड किनारों से परे भी होगी, यानी कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से बाहर भी इसी तरह सेम गैलेक्सीज के झुंड मौजूद होंगे जैसे यहां है। लेकिन सवाल है कि अगर पूरा यूनिवर्स करंट ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 250 गुना बड़ा है तो फिर आखिर उसके आगे क्या मौजूद है? क्या उसके आगे सिर्फ स्पेस मौजूद है, नथिंगनेस मौजूद है, या फिर कुछ और? अगर हम कहें कि इसके बाहर सिर्फ खाली जगह मौजूद है तो क्या वह खाली जगह अनंत है? क्योंकि हमारे यूनिवर्स को हम लार्ज स्केल पर देखें तो हमारा यूनिवर्स एक स्पॉन्ज की तरह है जिसमें कई वॉइड्स मौजूद होते हैं। इसी तरह यूनिवर्स में कई वॉइड्स है जिनमें कुछ वॉइड्स 1 अरब प्रकाश वर्ष में फैले हैं जहां कुछ भी मौजूद नहीं है। यानी अगर हम उन वॉइड्स के अंदर होते तो हमें लगता कि जैसे इन वॉइड्स से परे कुछ भी ना हो। इसी तरह ब्रह्मांड के बाहर नथिंगनेस या खाली जगह है, तो क्या वो खाली जगह भी किसी मल्टीवर्स में मौजूद वॉइड्स है? क्योंकि हमारे यूनिवर्स में कॉस्मिक स्केल पर सिमेट्री है और यही सिमेट्री आगे भी कंटिन्यू करे तो इससे या तो मल्टीवर्स प्रूव होगा या फिर हमें यूनिवर्स को अनंत मानकर चलना पड़ेगा। दोस्तों, अगर हम बिग बैंग थ्योरी से इसका जवाब दें तो यह पूछना ही गलत होगा कि यूनिवर्स के आगे क्या मौजूद है, क्योंकि सब कुछ स्पेस में एक्जिस्ट करता है और जहां खुद स्पेस ही नहीं वहां कुछ एक्जिस्ट कैसे करेगा। यानी ये ऐसा ही सवाल है कि मेरी आवाज देखने में कैसी है, जिसे पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। लेकिन दोस्तों, यहां एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाहे यूनिवर्स अनंत हो या सीमित, दोनों ही केस में हमारे लिए ब्रह्मांड हमेशा एक निश्चित सीमा में ही रहेगा, क्योंकि हम समय से बंधे हुए हैं। इस वजह से पृथ्वी से हम 46 अरब प्रकाश वर्ष से आगे कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि वहां की लाइट को हम तक पहुंचने का समय ही नहीं मिला। इसलिए अगर आपको पृथ्वी से सीधे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे पर ले जाए तो वहां से भी आपको ब्रह्मांड उतना ही बड़ा, यानी 93 अरब प्रकाश वर्ष ही दिखाई देगा। यानी अगर हम अनंत ब्रह्मांड में है तब भी इसके हर एक पॉइंट से हर ऑब्जर्वर के लिए 93 अरब प्रकाश वर्ष का स्फेरिकल रीजन ही दिखाई देगा, जिसे पार्टिकल होराइजन कहा जाता है। पर दोस्तों, ऐसा तभी होगा जब हम यूनिवर्स को स्पेस में तो अनंत माने पर समय में जिसकी कभी शुरुआत हुई हो। मगर क्या होगा अगर ब्रह्मांड स्पेस और टाइम दोनों में ही अनंत हो, यानी एक ऐसा यूनिवर्स जिसकी कोई शुरुआत ना हो, जो हमेशा से ही एक्जिस्ट करता आ रहा हो और अनंत हो। दोस्तों, अगर यूनिवर्स समय और आकाश दोनों में अनंत होता तब हम इंसानों के लिए कभी रात होती ही नहीं, क्योंकि हमें आसमान में ब्रह्मांड के सभी अनंत तारों का प्रकाश दिखाई देता, यानी हमारा आसमान हमेशा ब्राइट नजर आता। इसे समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आप एक जंगल में है। इसे दूर से देखने पर आपको पेड़ों के बीच का स्पेस दिखाई नहीं देता, बल्कि हर जगह पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं और स्पेस भर जाता है। इसी तरह अगर एक अनंत ब्रह्मांड जो अनंत समय से मौजूद है उसमें अनंत तारे भी होंगे और जिनका प्रकाश अनंत समय से चलते हुए हर जगह भर जाएगा, और इस वजह से हमें आसमान में उन सभी तारों को दिख जाना चाहिए था, ऐसे अनंत ब्रह्मांड के सभी तारे आसमान को भर देते जिससे हमें हमेशा आसमान ब्राइट नजर आता। इसे ओल्बर्स पैराडॉक्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, असल में हम जानते हैं कि वास्तविकता में ऐसा नहीं है। हमारा आसमान तारों से भरा नहीं है। इस वजह से यह साबित होता है कि हमारा यूनिवर्स समय में अनंत नहीं है, यानी किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम में इसकी उत्पत्ति हुई है। भले ही ये साइज में अनंत हो, लेकिन समय में इसकी एक शुरुआत है। ऐसे में हम फिर से उसी सवाल पर पहुंच जाते हैं कि भले ही यूनिवर्स अनंत भी क्यों ना हो, उस स्पेस के परे क्या मौजूद है जिसमें हम सब एग्जिस्ट करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार यह भी पॉसिबल है कि यह इन्फिनिट यूनिवर्स भी किसी हायर डिमेंशन का हिस्सा हो जिसमें स्पेस और टाइम दोनों एग्जिस्ट करते हो। लेकिन वहीं कुछ साइंटिस्ट एक ऐसी हाइपोथेसिस को प्रपोज करते हैं जिसे सुनकर आप सच में हैरान हो जाएंगे, क्योंकि उसके अनुसार तो आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह सब एक झूठ है। यह हाइपोथेसिस अब तक की सभी अवधारणाओं को चुनौती देती है। असल में साइंटिस्ट के अनुसार इस बात के 50% चांसेस है
कि हमारा यूनिवर्स किसी कंप्यूटर के अंदर मौजूद हो, यानी हमारी दुनिया एक कंप्यूटर के अंदर बनाई गई सिमुलेटेड रियलिटी हो, जहां हम वास्तव में एक निश्चित सीमा में मौजूद है, लेकिन इसकी प्रोग्रामिंग ऐसी की गई है जिससे हमें यूनिवर्स इन्फिनिट लगे। दोस्तों, एक कंप्यूटर के अंदर आप एक आभासी दुनिया बना सकते हो जो कि अनंत हो। ऐसे में इस बात के चांसेस है कि हमारी दुनिया भी किसी हायर इंटेलिजेंट बीइंग द्वारा बनाया गया कंप्यूटर प्रोग्राम हो। अब अगर आपको ये बात मजाक लग रही है तो हम आपको बता दें कि यह वैज्ञानिकों की कोरी कल्पना नहीं, बल्कि इसके पीछे कई ऐसे क्लू है जो यूनिवर्स ने वैज्ञानिकों को दिए है। जैसा कि आप जानते हो, क्वांटम मैकेनिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे लेकर सभी साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से परेशान हैं, और इसी क्वांटम फिजिक्स की दुनिया ने साइंटिस्ट को कुछ ऐसे क्लू दिए जो न चाहते हुए भी उन्हें ये मानने पर मजबूर कर रहे हैं कि हमारी दुनिया किसी बड़े कॉस्मिक कंप्यूटर के अंदर है, जिस वजह से हमें पूरा यूनिवर्स इन्फिनिट लगता है। अगर आप चाहें तो इसे डिटेल में हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों, जिस सवाल की खोज में हम निकले, उस सवाल ने हमें और नई रियलिटीज से रूबरू करवा दिया जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। ऐसे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपके पास इस सवाल का कोई जवाब है? कमेंट में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए ब्रह्मांड में घूमते रहिए।